अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। शोर बहुत है और मैं बाहर बैठ के आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज हमने बात करनी है वेट लॉस पे, कि वेट लॉस कैसे किया जाता है। इसमें मिसाल मैं आपको देती हूँ, सारा अली खान जो कि बॉलीवुड की स्टार है, उन्होंने कैसे अपना वेट लॉस किया। उनका वेट ऑलमोस्ट 200 kg था, 200 kg से उन्होंने 100 kg जो था वो उन्होंने वेट लॉस किया। वो कैसे किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या किया। ये आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना ज़्यादा वेट जो है उसको कैसे लॉस किया जाता है, उसको कैसे कम किया जाता है। तो साथ साथ ये पौधे देखते हैं, माशाल्लाह अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है और इसमें पौधे बहुत खिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जैसे इंसान को अच्छी खुराक मिले, मतवाजन गज़ा मिले तो उसकी हेल्थ अच्छी होती है। ऐसे पौधों का भी है कि पौधे भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्या कहते हैं उसे, खुश है पौधे। और किसी किस्म की मैंने एडिटिंग नहीं की, इनकी अपनी हालत जो है वो बता रही हूँ। ये है न्याजबो या बेसल सीड, जो भी इसे आप कहते हैं, उसका पौधा है। और अच्छे अच्छे इसके साथ पत्ते भी हैं। और ये मनी प्लांट मैंने रखे हैं, अंदर ख़राब हो रहे थे तो बाहर रख दिए, अच्छे हो गए हैं ये भी माशाल्लाह। और ये वाला मनी प्लांट भी देखें ग्रो कर रहे हैं, ये वाले भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और इसके एक पत्ते को अगर हाथ लगाओ ना, इसमें मैंने एलोवेरा भी लगाई हुई है, ये देखें। तो एलोवेरा जो है ये भी बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए, आपकी कुछ लोग डाइट में भी इसे लेते हैं, शुगर वगैरह वाले तो वेट लॉस के लिए भी लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं करती, वैसे ही लगाई हुई अच्छी है। तो ये देखें इसको, इसके पत्ते अब मैं ऐसे झाड़ दूँगी, जो डेड लीव्स हैं वो सारे नीचे गिर गए, ये देखें। तो जो सही वाले पत्ते हैं वो इसके साथ रहेंगे, ये देखें। ऐसे ही मैं इनको थोड़ा झाड़ देती हूँ एक दो दिन के बाद, ताकि जो डेड लीव्स हैं वो हो जाएँ ठीक। तो एक पौधा मैंने वो रखा हुआ है कॉर्नर में, और ये पाइप लगाया हुआ है ताकि इनको यहीं से मैं पानी डाल दूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अच्छा जी, हम आते हैं वेट लॉस की तरफ। तो जब आप वेट लॉस करते हो तो सबसे पहली जो चीज़ है, गेन तो हम बहुत जल्दी करते हैं। किस चीज़ से गेन करते हैं? फास्ट फूड से, राइस ज़्यादा खाने, कुछ लोगों को राइस भी लगते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं ना हवा भी लग जाती है, यानी हवा भी पास से गुजरे तो वो भी। और ये भी एक मेरा पौधा है माशाल्लाह बहुत प्यारा सा, जो खुद से ही ग्रो करता रहता है। इसका मुझे नाम नहीं आता मनी प्लांट की कोई किस्म है, ये तो गार्डनिंग वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अच्छा है। इसमें मैं सिर्फ पानी उसे कहती हूँ कि डाल देती है मेट को, बाकी ये माशाल्लाह से खुद से ग्रो करता है। तो वेट लॉस के लिए जी सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, वो है आपका डिटरमिन होना। जब आप डिटरमिन होंगे ना, आप पराठा छोड़ देंगे, खुश रोटी खाएंगे, उसके अलावा आप सैलड फ्रूट्स, मेरे घर के पास से पानी वाले टैंकर गुजरते हैं इसलिए उनकी बहुत आवाज़ होती है, और मैं फिर अपनी आवाज़ को मज़ीद लाउड कर देती हूँ। तो दिल बड़ा करता है कि बाहर बैठ के बंदा वीडियो बनाए, लेकिन बात ये होती है कि शोर बहुत होता है। तो वो फिर ना सबसे पहले होता है इंसान का डिटरमिन होना। डिटरमिन होना से क्या मुराद है कि आपने अपने जितने आपके अच्छे खाने उनसे हाथ खींच लें, ठीक है। आपने जिनमें ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, जो ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपना हाथ खींच लें। तो उसने, सारा अली खान ने भी यही बताया है कि उसने जितने भी फास्ट फूड थे उन पे बैन कर दिया। वो फूडी थी जिसकी वजह से उसने इतना वेट गेन किया, और फूडी लोग ही ज़्यादा वेट गेन करते हैं। तो वैसे भी हमारे अब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हो गया है कि लोग ज़्यादा आराम करते हैं, जिसकी वजह से मोटे भी हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए क्या है कि आप फिर अपनी डाइट को कंट्रोल करो, सैलड ज़्यादा लो। ये देखें हवा चल रही है और माशाल्लाह कितने अच्छे इसके पौधे हिल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा फील रहा है विदाउट फैन, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बारिश हो रही है हल्की हल्की और साफ ताज़ा हवा चल रही है। तो ये है कि जी आप जिन चीज़ों में लो कैलोरीज जो चीज़ें होती है ना, आप वो खाएँ। आजकल सेब बहुत आया हुआ है, सेब को ज़्यादा इस्तेमाल करें छिलकों समेत। बनाना कम खाएं, बनाना मोटा करता है। इसी तरह नाशपाती पीएस जो है वो खाएं आप, वो लें, बहुत अच्छी होती है। और ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये वेट लॉस के लिए बेस्ट हैं।
तो सारा अली खान का जहाँ तक जिक्र है, उसने बताया है कि मैंने अपना वेट कैसे लॉस किया है। उसने जंक फूड छोड़ दिए सारे। जंक फूड से मुराद होती है पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की चीज़ें जितनी है ना, बटर वाली या जिनमें चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। और ऑयल को भी बैन कर दिया, घी को भी बैन कर दिया, और वर्कआउट बहुत किया उसने। वर्कआउट आप जानते हैं, वर्जिश। अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते, शाय पीपल हैं, तो आप क्या करें, वॉक बहुत ज़्यादा करें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में वॉक करें। आप दिन में 2 घंटे कहीं भी जम के ना बैठें, बल्कि थोड़ा थोड़ा उठते रहें। इवन कि खाना खाते हुए भी 2-3 दफ़ा आप उठें, कभी पानी लेने के लिए, कभी कोई चीज़ उठाने के लिए, उससे भी आपका वेट कम होता है। खाना खाने के फौरन बाद अगर आप बर्तन धो दें, तो उससे तो आपका वेट बढ़ता ही नहीं है। बजाय इसके कि 3-3 दिन तक सिंक में बर्तन पड़े रहें, तो वो भी एक आपकी क्या होती है, बैड हैबिट होती है। जो आप क्लम्सी लोग होते हैं ना, लापरवाह लोग होते हैं, वो मोटे होते हैं। एक्चुअल बात ये है, सॉरी टू से। तो जो लोग आराम से सारे अपने काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मजदूरों की तरह काम करें या इस तरह, लेकिन अपने घर के काम आप मैनेज करके उन्हें करें, तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ता। अब मैं उसकी सारा अली खान की कुछ पिक्चर्स स्टार्ट में भी और एंड पे भी उसकी मैं डाल दूंगी, स्टार्ट में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि वर्कआउट से और डाइट से उसे कितना फ़र्क पड़ा। और उसने अपनी डाइट भी शेयर की हुई है कि क्या क्या मैं डाइट लेती हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट में आपको वो सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी, और आप देख लेंगे कि कैसे उसने वेट लॉस किया, कि इतना मोटा बंदा कैसे पतला हो जाता है। तो चलें जी, आज का मेरा व्लॉग इतना ही, बर्दाश्त कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ज़िंदगी रही तो स्टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। दुआ में याद रखिएगा, ग्रो करें, ग्रो करें, ग्रो करें, एक दूसरे की हेल्प करें, हेल्प करें, हेल्प करें, ग्रो करेंगे मुस्तकिल परमानेंट हेल्प से। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम ग्रो करेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह।